select तिसरी man of the match, select चौथी man of the match. आपण पाहतोय 14 चेंडू मध्ये 38 धावांची मॅरेथॉन इनिंग आणि एक षटक फेकताना तू 2 विकेट प्राप्त केल्या आणि 11 धावा खर्च केल्या. नो डाउट नैनेश पवार ठरतोय या सामन्याचा शिल्पकार. आम्ही विनंती करू संजयजी ठोंबरे साहेबांना आपल्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक नैनेश पवार याला प्रदान करावं. नेक्स्ट मैच से टॉस करतील पीयूष पाटील. टॉस जिंकलाय अंबिका चौक संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षणाच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. त्याच्या विरोधात असेल चौक विपक्ष वयाल अशी मॅच तुम्हाला अंतिम मॅच पाहायला मिळेल. प्रवीणजी दुगाडे आमच्या समवेत असतील या मॅच साठी शेवटची अंतिम लढत. चला क्षेत्ररक्षण सजून घ्या अंबिका चौक संघ. तीन षटकांची मॅच 18 चेंडूंचा वापर होईल. 18 चेंडू टाकले जातील. 18 चेंडू मध्ये वयाल संघ कोणत्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचेल. चला स्पीड अप करायचंय अंबिका चौक संघ. डीजे 2 मिनिटं क्षेत्ररक्षण सजून घ्या अंबिका चौक संघ. पंच देखील मैदानामध्ये दाखल झालेत. क्षेत्ररक्षणच्या भूमिकेमध्ये पाहायला मिळेल अंबिका चौक संघ. चला पंच आपण सामना सुरू कराय. हा जिथे जिथे टॉस जिंकलाय अंबिका चौक संघाने क्षेत्ररक्षण सजून घ्या अंबिका चौक संघ. तीन षटकांची मॅच पाहायला मिळेल. 18 चेंडूंचा सामना करावा लागेल फलंदाजी करणाऱ्या वयाल संघासमोर. हे आव्हान असेल किती धावसंख्येचा आकडा असेल. तीन षटकांची मॅच अर्थात 18 चेंडू टाकले जातील समोर वयाल संघाच्या समोर आणि या 18 चेंडू मध्ये धावा किती येणार. मायक्रोफोन वर येतील पहिल्या सत्रासाठी प्रवीणजी दुगाडे, त्यानंतर दुसऱ्यासाठी मी स्वतः अभि पाटील असेल आणि गुंडलेकर आमच्या समेत जॉईन झाले रोहित पवार. तो विधायक और ब्रदर्स ट्रॉफी 2020 में आप सभी का स्वागत. मेगा फाइनल जहां पर अंबिका चौक और वयाल दोनों ही पास पड़ोस की टीमें यहाँ पर खेलते हुए हमें नजर आएगी.
नागेश ठोमरे की ये प्रतियोगिता बलिराम जी ठोमरे इस ब्रदर्स ट्रॉफी के मुख्य आयोजनकर्ताओं की भूमिका में एक और संदीप जाधव की एक प्रतियोगिता आने वाले दिनों में आ रही है जहां पर बगैर एंट्री सभी टीमों को खेलने का मौका मिलेगा। वो कितनी रातें होगी प्रतियोगिता मुझे तो पता नहीं है, दो या तीन रातें जरूर होगी, लेकिन बगैर एंट्री एक इनाम होगा। तो देखिए टॉस जीता अंबिका चौक ने, सचिन मते के नेतृत्व में ये टीम तमगा हासिल करना चाहती है। नई गेंद कहां गई? सोने ने कहा कि ये मैच दो ओवर का ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्रिकेट। देखिए कोई भी टीम अगर आपके सामने अगर 12,000 या 13,000 रुपए भरकर खेल रही हो तो उसे पूरा खेलने का मौका मिलना चाहिए। तो रामदास जी गायकवाड़ साहब का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। मी सन्मानी ने आपके पाहुणे आदरणीय रामदास जी गायकवाड़ मनापासून स्वागत करतो है। हाँ, आपका 6 ओवर का मैच जरूर बनता है यहाँ पे, 5 ओवर का होता तो भी मजा आता। चलिए किसके हाथों क्या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है ये लिख के दीजिए हमें, ताकि सूरज हाथमोड़े तैयार रहें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हाँ तेजस देशमुख का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कौन बनेगा इस प्रतियोगिता का महा विजेता, वयाल या अंबिका चौक। दिनेश पवार राइट आर्म ओवर द विकेट, रफ्तार के राजा, और इस रफ्तार के राजा को शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर खेलने की कोशिश की, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हुई। उत्कर्ष मते ने उस थ्रो को गैदर किया, रन की गुंजाइश को किया समाप्त। वयाल की तरफ से अगर हम देखेंगे तो रन बांकुरे मैदान के ऊपर आ चुके हैं संदीप और महेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर महेश, स्ट्राइकर एंड पर संदीप। दिनेश पवार रायगढ़ एक्सप्रेस नरेश ठोमरे की यादों को उन्होंने ताजा किया। तेज तर्रार गेंदबाजी जो खासियत है कंधे का इस्तेमाल करना, दिनेश पवार का उस कंधे का इस्तेमाल हो रहा है। महज सिंगल मिला, एक से खाता खुल चुका है, दो गेंदे इस मैंडेटरी पावर प्ले की खत्म हो चुकी है। दोनों अंपायर तैयार हैं, तारीफ काबिल तीनों अंपायर ने काम किया, दीपक पाटिल सर, द्वारकानाथ चोरगे और इमाम सर। नाला सोपारा मैं आज तक गया नहीं क्योंकि ट्रेन में ज्यादा भीड़ होने के कारण। वेस्टर्न लाइन में तेजस देशमुख कह रहे कि भीड़ नहीं होती, लेकिन वेस्टर्न हार्बर, हार्बर का तो मुझे पता है क्योंकि पनवेल से ट्रेन पकड़ो, सीएसटी उतरो, फैशन स्ट्रीट पे जाओ, कपड़े खरीदो और फिर सीएसटी से पनवेल आओ। और ये बहुत ही बढ़िया खेला महेश मात्रे ने, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन, बहुत ही बढ़िया ऑफ ड्राइव हमें नजर आया और इन 4 रनों के साथ टोटल बढ़ता हुआ 5 रन 3 गेंदों की समाप्ति पर। कलौती की ये प्रतियोगिता अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की थी दिनेश पवार ने, टीम का टोटल 5 रन 3 गेंदों की समाप्ति के ऊपर 4 गेंदों की। मैंने कहा था पहले 4, रोहित पवार को मैं जांचना चाहता था, परखना चाहता था, उन्होंने भी कहा था 4 गेंदे, तो 4 गेंदों की समाप्ति के ऊपर ये 5 रन आ चुके हैं। फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर गेंद जाती हुई और रन बने 9। और प्रकाश यादव यहां से जा चुके हैं, वरना मैं उनसे बहुत कुछ बातें करता, नागेश ठोमरे के भतीजे। लेकिन देखिए बलिराम ठोमरे नजर नहीं आ रहे इस प्रतियोगिता के मुख्य आयोजन करता, कहां गए है ना,
या फिर गए क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश आउटसाइड ऑफ टर्म यॉर्कर डालने में कामयाबी हासिल हुई। फोटो सेशन हो रहा है तेज देशमुख और हमारे साथ और एक यंग हैंडसम एंड चार्मिंग बॉय के साथ अगर हमारा फोटो सेशन हो तेजस देशमुख के साथ तो हमारी भी पॉपुलरिटी में लोगों की संख्या जरूर बढ़ेगी। टीम का टोटल एक ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन तो नरेश पवार ने देखिए रोहित पवार हमारे साथ है। एक रोहित पवार जामखेड़ के विधायक है। उन्होंने पिछले साल यानी कि पिछले सरकार के कार्यकाल में जो मंत्री महोदय थे उनको हराया था। ये रोहित पवार हमारे साथ स्कोरिंग कर रहे हैं। इनको जो टीम हारेगी वो जो टीम जीतेगी उसका स्कोर कार्ड लिखना है। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाज लेकिन ये ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर व्हाइट बॉल का इशारा 10 पर आता व टोटल स्ट्राइकर इन पर इस वक्त संदीप मादरे। गेंदबाजी की बागडोर अगर हम देखें अंबिका चौक की तरफ से साहिल इस वक्त गेंदबाजी की बागडोर को संभाल रहे हैं। फाइनल का मैच है मेगा फाइनल। मयूरेश कदम सर हाँ है क्योंकि आज की आखिरी रात है। क्या ही है रन आउट या कैच 8 विकेट। निखिल वावर के साथ तेजस देशमुख हमने देखा एक फोटो बनाया था उन्होंने और यहां पर सेल्फी खींची जा रही है हमारे अभी सर द्वारा रोहित पवार और अभी पाटिल सर। लेकिन फिलहाल टीम का टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 10 रन आ चुका है। 3 ओवर का ये मैच है मेगा फाइनल। घड़ी का कांटा अगर हम देखें तो तकरीबन 3:30 तो जरूर बजे होंगे ऐसा अंदाजा मुझे है। 4:03 यानी कि सुबह 5 जरूर बजेंगे इस मैच को खत्म होने तक। इस गेंद को सीधे बल्ले से खेला 1 रन तो जरूर मिलेगा टीम वयाल को और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 11 रन। इस प्रतियोगिता के खत्म होने के बाद कल सुबह 36 गांव की सीपीएल शुरू होगी। सीपीएल जहां पर कई फ्रेंचाइजी होंगे कई बड़े मालदार फ्रेंचाइजी होंगे कई टीमों को हराने की कई टीमों को जितवाने की रणनीति तय होगी कल से सीपीएल में। बहुत ही बढ़िया यॉर्कर लेकिन उसे खोद कर निकाला महेश मात्रे ने। मैच मिला सिंगल और इस सिंगल के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 12 रन। रामदास जी गायकवाड़ यहां पर आ चुके हैं। ये देखिए रामदास जी गायकवाड़ 1 bottle 2 glass जिसका नाम है रामदास। टीम का टोटल 12 रन। बहुत ही बढ़िया गेंद डाली तेज तर्रार रफ्तार के साथ और डेरोली में जो नाइट टूर्नामेंट होगी वहां पर जो चौक के गेंदबाज हैं जो इस टीम में नहीं उन्होंने हमसे वादा किया है चौक टीम जब खेलेगी उस प्लेइंग 11 में उन्हें जगह जरूर मिलेगी। समीर भोयर ने हमसे वादा किया है। और ये नंबर 6 मिड विकेट के ऊपर से बहुत ही बढ़िया कनेक्शन बल्लेबाज तेजस द्वारा बहुत ही बढ़िया तेजस यानी कि तेज यानी कि तेज तर्रार प्रहार। ए कमजोर 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 नहीं तो लटकर मर्दावानी हा फटकर मरल कसू न षटकर। देखिए मर्द की तरह एहसास दिलाते हुए शॉट को एकनाथ माड़ी का ये गाना लगाया था डीजे मास्टर ने। 4 बज चुके हैं और
एकनाथ माळी का डबल मीनिंग सॉन्ग यानी कि नई गेंद। देखिए आयोजन करता भी कह रहे हैं कि अभी भाई नई गेंद लीजिए, कितनी चाहिए 50 लीजिए 100 लीजिए, लेकिन जल्दी पूरा कीजिए, इनको भी घर जाने की जल्दी हो चुकी है। हाँ सुबह का नाश्ता रिंकी में, मैंने तो रात भर खाना भी नहीं खाया तो मुझे नाश्ता करना ही पड़ेगा। और रामदास सर हमारे साथ हैं, रामदास जी गायकवाड़, वन बॉटल टू गिलास, जिसका नाम है रामदास। नागेश ठुमरू को मैं कुछ कहा, मैं कह भी नहीं सकता क्योंकि ये हमारे गांव के साले साहब है और हमारे अजीज दोस्त के ससुराल से बिलोंग रखते हैं। टीम का टोटल 19, दो ओवर के खेल की समाप्ति के बाद। वयार टीम अच्छे पोजीशन पे है मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि उनके पास महेश मात्रे जैसे तेज तर्रार गेंदबाज है और 9.5 की औसत से अगर अभी पाटिल सर 19 रन आते हैं तो मेरे ख्याल से ये अच्छी शुरुआत है वयार टीम की। और इस ओवर में अगर 15 आते हैं 15 तो ये मैच एयर टाइट होगा। जिस ननेश पवार को हमने लंबे लंबे छक्के लगाते हुए देखा है, उनका मुकाबला दूसरे सत्र में अगर यहां से अगर 12-15 रन आते हैं तो महेश मात्रे से होगा और वो मुकाबला काफी कड़ा होगा। सूरज हाथमोड़े आपकी बैटिंग नहीं है, सो जाइए आप। जॉब के ऊपर तो उन्हें जरूर जाना है, लेकिन सूरज हाथमोड़े को देखते हुए ये जो बाउंड्री आई है मिसफील्ड के कारण, मुझे तेजाब का वो गाना याद आ रहा है जब माधुरी दीक्षित तो लेकर आए थे लोटिया पठान से, आ अनिल कपूर, सो गया ये जहां सो गया आसमां, कहीं सो गई चौक की फील्डिंग, उस वजह से मिले ये 4 रन। टीम का टोटल 23। ये होता है क्रिकेट में अनुमन, ऐसी चीजें देखने का मौका मिलता है। बड़े प्लेयर जो होते हैं वो बड़े मैच में खेलते हैं, सेमीफाइनल और फाइनल में। आपने कहा कि वायर के इस बल्लेबाज का बल्ला चला नहीं, लेकिन फाइनल मैच जहां पर टीम अगर जीतती है तो अव्वल पोजीशन पर, क्योंकि दुनिया जानती है अव्वल पोजीशन क्या होती है। चांद पर पहला कदम किसने रखा दोस्तों? नील आर्मस्ट्रांग, दूसरा हमें याद नहीं। हाँ नागेश ठुमरे गए थे, वो कौन सा यान था उन्हें भी पता नहीं। टीम का टोटल 24। बहुत ही बढ़िया यॉर्कर डाला गेंदबाज अमय ने, क्या तेज तर्रार यॉर्कर डाला, बहुत ही बढ़िया। ऋतुराज साळगे जो संभाली टीम की तरफ से खेल रहे थे 2-3 साल पहले, उनकी यादों को उन्होंने ताजा किया। इसी तरह गेंदबाजी होती थी राइट आर्म राउंड या ओवर द विकेट ऋतुराज साळगे की। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश महेश मात्रे, क्या कह रहे हैं कर रहे हैं, लगातार दो डॉट गेंदे। काशिक जब बेवफा माशूक के बेवफा माशूक से पूछता है ये प्यार तूने क्या किया, उसी तरह वयाड़ के कप्तान पूछ रहे होंगे ये महेश मात्रे तू क्या कर रहा है। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर एक रन जरूर मिला। दूसरा चुराने की कोशिश दिनेश पवार, देखिए थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, थोड़ा सा फंबल और उसका फायदा उठाया महेश मात्रे ने, 2 रन मिले और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 26। लॉस ऑफ 1 विकेट। इस ओवर की आखिरी गेंद, तीसरे ओवर की क्लीन बोल्ड महेश मात्रे, 27 रनों की जरूरत है कंपलसरी चेसिंग के नियम के तहत, प्रति ओवर 9 की औसत से। क्या नरेश पवार पूरा रुककर खेलेंगे, क्या अंबिका चौक का जो जीतने का सपना है अव्वल पोजीशन पाने का सचिन मदेगा, क्या नरेश पवार उस सपने को पूरा करेंगे।
या फिर वयाल के तेज तर्रार गेंदबाज महेश मात्रे जिनके पास तजुर्बा है व्यावसायिक क्रिकेट खेलने का, क्या वो नरेश पवार का विकेट निकालकर वयाल टीम को वापसी के द्वार खोलेंगे इस फाइनल मैच में, इस फाइनल मुकाबले में? इसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे छत्तीसी विभाग के एक बेहतरीन कॉमेंटेटर अभी पाटिल सर, जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ रायगढ़ टेनिस क्रिकेट की ऐसी कोई गली नहीं जहां पर अभी सर की कॉमेंट्री चली नहीं। धन्यवाद सर। पहिले सत्र या ठिकाणी संपलं। और ये देखिए मयूरेश कदम सर भी आज रुके हुए, हालांकि उन्हें कमेंट्री करनी नहीं है लेकिन फिर भी रुके हुए क्योंकि आज की आखिरी रात है। आखिरी रात में क्या होता है आप सभी को पता है, पेमेंट वाली रात, जहां पर इंसान अगर चार रातें काम करे और अगर 7 तारीख को कंपनी में रुके नहीं तो उसका फायदा नहीं होता। और मयूरेश कदम हो, मैं हूँ, आप हो, अभी सर, सूरज हाथमोड़े सर है, आखिरी रात में अंतिम क्षणों तक रुकना जरूरी है क्योंकि अंतिम क्षणों में अगर रुकेंगे नहीं तो मेहनत करने का फायदा नहीं। हाँ रितेश, रोहित पवार की गाड़ी है क्या आपके पास? लेकिन उन्हें पता है आखिरी क्षणों तक मैं रुकता जरूर हूं। और ये देखिए गणेश शर्मा भी अभी हमारे मंच के ऊपर आ चुके हैं, मैंने उनसे कहा मैं सुपर एट में हूँ सीपीएल में, तो सुपर एट में आपकी टीम रुकना जरूरी है तब जाके आपका खेल देखने का मुझे मौका मिलेगा। हंसी मजाक तो दोस्तों बनता है। 27 धावा पण 26 धावा पूर्ण केल्या पहिल्या सत्रामध्ये। कोलन फलंदाजी करणाऱ्या वयाल तर आशिष चौधरी ही मॅच पनवेलवरून लाईव्ह पाहत आहेत। नरेश पवार यांच्यासाठी षटकार हॅट्रिक साठी त्यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे आणि ते 500 रुपये त्यांनी सूरज हातमोडेच्या अकाउंट मध्ये जमा केलेत, म्हणजे ऑनलाईन ट्रान्सफर केलेत। आणि जर नरेश पवारने षटकार हॅट्रिक मिळवली तर सूरज हातमोडे यांच्याकडून जे चौधरी साहेब आहेत त्यांचं पारितोषिक गणेश पवारला रोख मिळेल। 27 धावा बनवाव्या लागतील। आता या दुसऱ्या सत्रामध्ये अंबिका चौक संघाला आता सूरज आत्मने आपण उठा ही मॅच आता रंगतदार पाहायला मिळेल। आणि हॅलो आणि बघा बळीराम ठमरे ज्यांना मी म्हटलं होतं की थोडेसे गायब झालेत मिस्टर इंडिया सारखे, पण ते आलेत या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक। मला वाटलं होतं की मिस्टर इंडिया सारखे हे गायब होतात की काय, पण आलेत पारितोषिक वितरण सोहळ्याप्रसंगी। पहिला चेंडू नैनेश पवारने या चेंडूला बिरकावून दिलाय, दर्जीदार फटका पाहायला मिळतोय मिड विकेटला। हा चेंडू येतो षटकारांसाठी 6 धावांच्या चेंडूवरती। षटकार पाहायला मिळतोय फलंदाज महेश नैनेश पवार जो महेश मात्रेच्या गोलंदाजी वरती हा आक्रमण चढवला, प्रतिहल्ला केला, पहिल्या चेंडूवरती षटकार खेचला, आपले इरादे स्पष्ट केलेत, आपल्या मनगटामध्ये ताकद, आपल्यामध्ये आक्रमकता जी गुणवत्ता टाचून भरली आहे ते प्रत्यक्ष उदाहरण आपण पहिल्या चेंडूवरती पाहिलं। यावेळेस बॅट चेंडूचा संपर्क होत नाहीये, इतका वेगाने टाकला होता चेंडू गोलंदाज महेश मात्रेने। मागच्या चेंडूमध्ये षटकाराचा मार मी जरूर खाल्ला, परंतु या चेंडूवरती कम बॅक करू शकतो इतकी ताकद माझ्याकडे आहे, इतकी क्षमता माझ्या मनगटामध्ये आहे आणि ते सिद्ध केलं। दुसरा चेंडू मात्र सरळ डॉट येतोय। यावेळेस बघा हा चेंडू देखील निर्धाव येतोय,
सलग दोन चेंडू डॉट काढण्याची किमया आता केली आहे गोलंदाज महेश मात्रेने. पहिल्या चेंडू मध्ये षटकाराचा मार जरूर खाल्ला, परंतु आता येणारे दोन चेंडू डॉट आल्यात म्हणजे तीन चेंडूच्या समाप्तीनंतर सहा धावा धावफलकावरती आल्यात. यावेळेस या चेंडूला अक्षरशः खोदून काढल्या शतशक चेंडू पर्यंत वेगाने पोहोचण्याचा प्रयत्न करेल. तत्पूर्वी चेंडू सीमारेषा क्रॉस करतो आहे, या चेंडू वरती येतो आहे दणदणीत असा चौकार. बघा मागच्या दोन चेंडू वरती आपण डॉट चेंडू खेळला फलंदाज नैनेश पवार, परंतु या चेंडू वरती सुरेख फटका पाहायला मिळता. जमीन लगतचा फटका होता, शतक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचणार. तत्पूर्वी चेंडूने ती स्पर्धा जिंकली, चेंडू सीमारेषा बाहेर गेलाय. चौकार आपण मागच्या चेंडू वरती पाहिला. यावेळेस अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता, नैनेश पवारचा फ्रूट मारण्याचा प्रयत्न होता, असफल ठरला. हा चेंडू निर्धाव येतो आहे. तब्बल पाच चेंडू मात्र या षटकामध्ये संपलेत आणि दहा धावा या पाच चेंडू मध्ये आल्यात. तीन निर्धाव चेंडू पाहिले, एक षटकार पाहिला, एक चौकार देखील आपण पाहिला. यावेळेस अलक्या हाताने खेळून काढलाय, सरळ चेंडू सीमारेषा क्रॉस करतोय. या चेंडूवरती दणदणीत चौकार येईल, धावा संख्येचा आकडा इथून वाढेल, चौदा धावा धाव फलकावरील. पहिले षटक संपलंय, सहा चेंडू मध्ये तब्बल धावा आल्या 14. आता मात्र समीकरण बदललंय, येणारे चेंडू शिल्लक असतील 12 आणि 13 धावा संख्येची गरज. कोहली गल्लीत वरती कट करतो, आमचा विराट कोहली गल्लीत वरती कट करतो, गुडघे टेकून शॉट मारतो साऱ्यांची वाट लावतो, गुडघे टेकून. आता वाट लावली नैनेश पवारने, कारण तब्बल एक षटकार आणि दोन चौकाराच्या सहाय्याने 14 धाव संख्येवरती आपल्या संघाचं धावफळक नेऊन ठेवलंय. विचार करण्यास भाग पाडलाय विरोधात खेळणाऱ्या वयाल संघाला, ज्या तब्बल आता विचार केला तर 12 चेंडू आता शिल्लक असतील आणि 13 धाव संख्येची गरज असेल या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी अंबिका चौक संघाला. कबीश जो मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता, ज्यानं एक विकेट्स घेतल्या आणि चार धावा खर्च केल्या होत्या, आणि तो मागच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच घेणारा किताब घेणारा गोलंदाज आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवरती येतोय. कबीश समोर उभा असेल. साहिलच्या बॅट मधून हा फटका निघून चाललाय, मिड विकेट ला क्लिअर करतो या चेंडूवरती, दणदणी षटकार येतोय. धावा संख्येचा आकडा या सहा धाव्याने वाढेल, 20 धावा धाव फलकावरती आहेत. चेंडू शिल्लक असते आता 11 आणि 7 धावा संख्येची गरज. सामना दोन षटकांमध्ये संपतो की हा आता प्रश्न पडलाय, कारण पहिल्या चेंडूवरती षटकार आलाय. आपली ताकद आपली पूर्णपणे शक्ती या चेंडूवरती पणाला लावली होती, परंतु यावेळेस जेल पकडला गेलाय. फलंदाज आता मैदानाच्या बाहेर येईल. साहिल या चेंडूवरती बाद होतोय, मागच्या चेंडूवरती षटकार खेचला होता. या चेंडूवरती धोनी स्टाईलने हा सामना फिनिश करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु बॅटच्या पुरेपूर रेंजमध्ये हा चेंडू आला नाही, पुरेपूर बॅटचा आणि चेंडूचा संपर्क झाला नाही आणि या चेंडूवरती जेल स्वरूपात साहिल माघारी परततोय. चेंडू शिल्लक असते आता 9 पवार ने जर का रनआउट च्या स्वरूपात जर फलंदाज गिरीश रनआउट केला तर हा नाव गुप्त असेल, पण पारितोषिक तुम्हाला दिलं जाईल 200 रुपयांचं पारितोषिक. ह्या वेळेस बघा दात मागितली गेली आहे पंचांकडे, दात मात्र ही फेटाळली आहे. हा चेंडू येतोय आता निर्धाव, समीकरण आता बदललंय. चेंडू शिल्लक आहेत 8, 7 धावसंख्येची गरज आहे. कबीशने
एक षटकाराचा मार खाल्ला, एक खराब चेंडू टाकला आणि दोन डॉट चेंडू, एक कमबॅक करणारे दोन चेंडू आपण पाहिले. यावेळेस काय दर्जेदार गोलंदाजी पाहायला मिळते, परंतु इथून दिशा भरकटत्या. बोनस स्वरूपाची एक धावत आता या धावफळकात जॉईन होईल, एक्स्ट्रा स्वरूपाची धाव ऍड होईल, समीकरण बदलेल, चेंडू शिल्लक असते आता आठ आणि धावसंख्येची गरज असेल ती सहा. सहा धावसंख्येची गरज, आठ चेंडू शिल्लक आहेत. कौतुक केलं होतं कविष्ठ, परंतु खराब कामगिरी आता करतोय कविश. यावेळेस या चेंडूला फट फेकून दिलंय. धोनी स्टाईलने हा सामना संपवलाय, षटकाराच्या साह्याने हा सामना जिंकलाय. तो नैनेश पवार या संघाने अर्थात अंबिका चौक संघाने हा सामना जिंकलाय, हा सामना गमावलाय खऱ्या अर्थाने वयाव संघाने. मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण मायक्रोफोन वर येतील सूरज आतमडे सर, आपण मायक्रोफोन वरती या. या मॅच चा मॅन ऑफ द मॅच नैनेश पवार, तब्बल 20 धावांची खेळी केली, दोन षटकार दोन चौकार त्याच्या सहाय्याने वैयक्तिक 20 धावांची इनिंग साकारली आणि हस्तांतर करून आपण बाहेर आणि या मॅच चा मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण जातोय. नैनेश पवार ठरतो या मॅच चा मॅन ऑफ द मॅच.